माफियों और बाहुबलियों के साथ ही दूसरे अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूत अभियान का सबसे ज्यादा असर संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और यहां माफिया व हिस्ट्री शीटर गणेश यादव के करोड़ों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर दिया गया। प्रयागराज वाराणसी नेशनल हाईवे पर स्थित इस चार मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की अनुमानित कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माफिया और हिस्ट्री शीटर गणेश यादव ने झूसी में हाईवे के किनारे ही 1500 वर्ग गज में बेसमेंट सहित चार मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए किया गया था। इसमें कुल 70 दुकानें बनाई गई थी, लेकिन इसका नक्शा पीडीए से स्वीकृत न होने के कारण प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था, जिसके तहत सुबह से ही पीडीए की टीम चार जेसीबी मशीनों और कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्रवाई की शुरुआत में दुकानदारों और गणेश यादव के परिजनों द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का हल्का विरोध किया गया, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल के चलते ज्यादा देर तक उनका विरोध नहीं टिक सका। क्योंकि हमारी रोजी रोटी यहीं से चलती थी। यहाँ की दुकान थी जी? किस चीज़ की दुकान थी? सलून था जी। कितने तक का खर्चा आया था इसको बनाने में? मैं भैया, हम लोगों ने गहने बेच के उधार ले लेके कम से कम 50 लाख इसमें लागत लगी हमारी, और हमारे साथ साथ पूरे दुकानदारों की लगी। तो मतलब एकदम 500 घर यहाँ पे बेरोजगार आज हो गए, और आज की डेट में कोई इंस्टेंट नौकरी नहीं मिल रही किसी को। एक तो लॉकडाउन, ठीक है, हम तो बस ये कहते हैं, मेरा ये कहना है कि अगर योगी जी को दम है तो सीमा पांडे से आके मिले और सीमा पांडे से बात करें कि अगर आपको किसी को नौकरी देने का हक नहीं है तो आपको किसी की नौकरी लेने का भी हक नहीं है, किसी के पेट पे लात मारने का हक नहीं है। आज उन्होंने हम लोग की खून पर से जो भी जहाँ मैं जाती थी दुकान के लिए, वहाँ पे लोग कहते थे 2.5 लाख 5 लाख मुझे पकड़ी चाहिए। लेकिन यही एक इंसान बहुत बड़ा माफिया ने, लेकिन मेरे लिए तो वही यही आदमी जो होता है ना, क्योंकि इसने आज तक मुझसे पकड़ी नहीं ली, बिना पकड़े के मुझे दुकान दिया है, और किराए के लिए कभी भी कुछ नहीं था। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे और दुकान के सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, सारे घर के। अब हम लोग तो रोड पे आ गए ना। आपका नाम? सीमा पांडे। प्रयागराज में माफियों और अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ पीडीए की ये 42वीं कार्रवाई थी। इससे पहले पीडीए ने पिछले साल 28 दिसंबर को गणेश यादव के आशियाने पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया था। गणेश यादव ने झूसी के हवेलिया में 1500 वर्ग गज में बगैर नक्शा स्वीकृत कराए आलिशान मकान बनवाया था, जिसको पीडीए ने भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीनों से जमींदोज कर दिया था। गणेश यादव के खिलाफ झूसी समेत कई थानों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल वो जेल से बाहर है। जिस जमीन पर उसने आलिशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया था, उसमें कुछ सरकारी जमीन के कब्जे की भी बात सामने आ रही है। पीडीए के विशेष कार्य अधिकारी सत शुक्ला के मुताबिक इस मामले की अलग से जांच कराई जाएगी। राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय, पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री चीटरों, गैंगस्टरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की जाएं। इसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 42वीं कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री चीटर गणेश यादव का अवैध मार्केट है। ये 4 फ्लोर का निर्माण है और इसमें दर्जनों दुकानें हैं और कंस्ट्रक्शन भी 4 फ्लोर का है। बेसमेंट फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। इसका भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं था, इसी क्रम में इसको ध्वस्त करा रहे हैं आज प्रशासन और पुलिस के सहयोग से। इसके भू स्वामित्व की भी जांच कराई जाएगी। यदि कोई भूमि इसके स्वामित्व की नहीं होगी तो उसको संबंधित विभाग को या संबंधित व्यक्ति को हैंड ओवर किया जाएगा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए, और यदि इसकी खुद की होगी तो गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्की कार्रवाई की जाएगी। पीडीए द्वारा ध्वस्त कराया गया अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स माफिया गणेश यादव की आमदनी का प्रमुख सूत्र है। पीडीए ने उसकी आमदनी के स्रोत को नष्ट कर उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। इससे पहले भी पीडीए ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा, छोटा राजन गैंग के शार्प शूटर बच्चा पासी और राजेश यादव समेत कई माफियों और अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई की है। पीडीए के अधिकारी का कहना है कि माफियों और बाहुबलियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।